आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रोशन है इस तरफ, सुरिंदर जी इधर है, फराज साहब है, इन सब आर्टिस्टों को देख रहा हूं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं मंच पर। वाह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं मंच पर, लेकिन बवाल नहीं है, लाफ्टर की स्टेज पर सरहदे सवाल नहीं है। वाह, क्या बात, बहुत खूब शाह साहब, जिंदाबाद। मेरा एक दोस्त है पीटर डिकोस्टा। अच्छा। एक दिन पीटर मुझसे कहता है, यार मेरे साथ मस्जिद चलेगा? मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि पीटर और मस्जिद, फिर पता चलता है कि वो लोकल ट्रेन से मस्जिद बंदर स्टेशन जाने की बात कर रहा है। तो एक एक छोटी सी कविता बनती है जी। कि लोकल ट्रेन मिटा दे जात पात का हर मतभेद, पीटर जाए मस्जिद बंदर और मूसा भाई चर्च गेट। मुश्किल है, मुश्किल है रोज सफर करना, पर मुंबई का है ढीठ, he travels from one end to the other, he has to make both ends meet. आप में से कितने लोग लोकल ट्रेन की सेकंड क्लास में थ्री सीटर बेंच पे चौथे बैठे हैं, बताइए। सब 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 सभी। एक टांग और आधी जांघ पे बैठना। एक टांग और आधी जांघ पे बैठना अपने आप में एक परफॉर्मिंग आर्ट का प्रकार है। परफॉर्मिंग आर्ट का प्रकार। और कंघी से पंखा चलाने वाला मुंबईकर आय हाय कोई मामूली मुसाफिर नहीं, कलाकार है। बहुत अच्छा। असल में मैं रश आवर को क्रश आवर कहता हूँ। अच्छा। जी, जी, जी। उस भीड़ में मेरा पसीना मेरा है या किसी और का पता नहीं चलता। वाह, बहुत खूब। शाम घर लौटते किसी और के पसीने या परफ्यूम की बू मेरी बन जाती है। परफ्यूम हो तो पत्नी जी शक करती हैं और पसीना हो तो कपड़े अलग धुलवाती है। लोकल ट्रेन में टाइम पास करने के कई साधन होते हैं। दफ्तर से घर तक का सफर होता है, दफ्तर में नींद आती है पर सोने की सुविधा नहीं होती, घर पर सोने की सुविधा होती है पर नींद नहीं आती। लोकल ट्रेन में न लेटने की जगह होती है न सोने का माहौल होता है, मगर नींद बहुत अच्छी आती है। तो ये कहना गलत होगा जनाब कि मुंबई वाले सिर्फ मौत के बाद चार कंधों का सहारा पाते हैं। लोकल की भीड़ में खड़े खड़े सोना हो तो जीते जी चारों तरफ से कंधे मिल जाते हैं। हमारे शादीशुदा जीवनी में सुखी रहने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है? पहला नियम यह है कि जब पत्नी जी बोल रही हो तो मैं इंटरप्ट नहीं करता, वो ग्रामोफोन प्रिंसिपल यूज करता हूँ। क्या आपको पता है ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग बजा करती थी पुराने जमाने में, उसमें एक नियम था कि रिकॉर्ड बज रही हो और आप सुई बीच में से उठा लो तो फिर शुरुआत से बजती थी। ये गलती ना करें। और एक सलाह देने जाता हूँ कि अगर झगड़ा करें भी तो बच्चों के सामने ना झगड़े। बहुत अच्छी बात। पति पत्नी के झगड़ों का असर गहरा होता है बच्चों पर, इसमें क्या शक है? मेरी बेटी तो अब तक यही समझती है कि उसके डैडी का नाम शटअप है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको मिलता हूँ जल्दी। लुकिंग फॉरवर्ड। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।